आज की तारीख में अब वक्त है वायरल सच का। वायरल सच में आज पड़ताल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर वायरल हो रहे एक वीडियो की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मोदी सिर्फ हाई स्कूल पास है और ये बात उन्होंने खुद कबूल की है। तो देखिए ये वीडियो क्या है और सच क्या है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का 28 सेकंड का वो वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ल मोदी का इंटरव्यू ले रहे हैं, जहां मोदी की शिक्षा पर राजीव शुक्ल उनसे सवाल पूछते हैं। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया, स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूलिंग स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक, हाई स्कूल। यूट्यूब पर मौजूद 28 सेकंड का ये वीडियो वायरल हो चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री की शिक्षा पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने लिखा है, प्रधानमंत्री जी क्या ये आप हैं जो ये मान रहे हैं कि आप सिर्फ हाई स्कूल पास हैं, या फिर ये वीडियो फर्जी है? दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे प्रधानमंत्री हाई स्कूल पास हैं, लेकिन इस बात से पड़ता है अगर आप इसको लेकर ईमानदार नहीं हैं। दरअसल ये पूरा मामला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि एक हफ्ते पहले ही RTI दाखिल कर मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। यही नहीं, केजरीवाल ने भी मुख्य सूचना आयुक्त को चिट्ठी लिखकर जानकारी सार्वजनिक करने की अपील की गई थी। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि मोदी ने प्रथम श्रेणी में पॉलिटिकल साइंस में MA किया हुआ है। और फिर 28 सेकंड का ये वीडियो वायरल होने लगा, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि मोदी सिर्फ हाई स्कूल पास हैं और ये बात खुद मोदी मान रहे हैं। ABP न्यूज ने जब वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल की तो पूरी कहानी साफ हो गई। ये वीडियो साल 2000 का है, जब प्रधानमंत्री मोदी BJP के महासचिव हुआ करते थे। उस दौर में कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ल रूबरू नाम का टेलीविजन शो करते थे, जहां वो बड़ी बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू लेते थे। इसी तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी इंटरव्यू किया। 28 सेकंड का जो वीडियो आप देख रहे हैं वो असल में 23 मिनट 8 सेकंड का है। 23 मिनट की क्लिप में मोदी के इंटरव्यू के 5 हिस्से हैं। 5वें हिस्से में राजीव शुक्ल मोदी से उनकी शिक्षा को लेकर सवाल पूछते हैं, मोदी जवाब देते हैं, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो में मोदी का पूरा जवाब नहीं दिखाया जा रहा है। वायरल वीडियो में जवाब कहां खत्म होता है, पहले वो सुनिए। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया, स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूलिंग स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक, हाई स्कूल। और अब सुनिए मोदी का पूरा जवाब। सिर्फ स्कूलिंग स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक, हाई स्कूल। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने BA कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने MA कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम। तो मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो लेकिन मैं तो हो गया यूनिवर्सिटी में पहले आ गया। लेकिन वो तो शायद संघ के संस्कार का हो या कुछ प्रेरणा का हो अपने अधिकारियों की, जिसके कारण कुछ न कुछ अपना विकास करने में लगे रहे। मोदी ने खुद बताया था कि उन्होंने कैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं पास की थी। ABP न्यूज की पड़ताल में वायरल हो रहा ये वीडियो झूठा साबित हुआ है।